सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सब पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्प्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ चुका है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, आपके एग्जाम जो इतने नज़दीक आ चुका है, इससे समय में आप लोग अगर तैयारी नहीं किए तो आपके लिए और एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैं आप लोगों के लिए जो है 5 सेट एक PDF तैयार किया हूँ। अगर आप लोग उसका लेना चाहते हैं मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर उस 5 सेट को आप लोग पढ़ लेते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 सेट PDF है, अगर आप लोग उस PDF को पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दूँ। एक भी क्वेश्चन उससे बहाने, एक दो क्वेश्चन आ जाए अलग सी बात है, बट लगभग 90+ क्वेश्चन जो उसी से आएगा। तो आप लोग को क्या कहते हैं उसको PDF को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बता दूंगा बाद में कि उसको PDF को कैसे लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा लास्ट में और उसको व्हाट्सएप में आप लोग को मैसेज करना अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके, ठीक है। तो चलिए हम पहले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर। तो यहाँ पे टेक आफ्टर ये जो फ्रेज है इसका राइट मीनिंग क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी टू रिजेंबल। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च। आप यहाँ पे बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है एक सेंटेंस यहाँ है और एक सेंटेंस यहाँ, दोनों को मिलाने के बाद सही मीनिंग किस सेंटेंस में होगा तो आप लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, तो दो का राइट ऑप्शन, यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे, राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी यानी टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च। यहाँ पे टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च, यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का देख पा रहा हूँ क्या कह रहा है कि वी डैश डैश हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, अब यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने बोलता है आप लोग को, तो इस सेंटेंस के सेंस को समझिए, कहाँ कहता है कि वी शुड डैश डैश हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर गरीबों की मदद करने के बारे में आ रहा है, तो गरीबों की मदद क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए और चाहिए के सेंस हम क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे, जबकि कुड का मतलब पास्ट में होता है और ये क्या कहते हैं वुड नोट, तो वुड नोट तो होगा नहीं क्योंकि नोट यहाँ पर आ गया, जब हमें चाहिए मतलब तो चाहिए कि हम क्या करेंगे शुड, वी शुड मतलब हेल्प द पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहा हूँ क्या कह रहा है कि रमेश क्राइड डैश डैश लाउडली। अब यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन देख पाएंगे लाउड है, लाउडली है, उसके बाद क्या कहते हैं स्लो है और विस्पर है। तो यहाँ पे क्राइड मतलब चिल्लाना होता है और यहाँ पे चिल्लाया हो जाएगा, तो चिल्ला के तेजी के साथ चिल्लाएगा, तो यहाँ पे इसकी सेंस में हम लोग लगाएंगे लाउडली, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो करेक्ट स्पेल के साथ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन को ध्यान से देखिए, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ACCESSORE। ये जो वर्ड है ये करेक्ट स्पेल के साथ दिया है, बाकी जो है वो गलत स्पेल के साथ दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसू ड्रीम्स ऑफ डैश डैश पॉस्पेट, क्या कहते हैं पॉप स्टार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलना है मतलब चुनना है। तो देखिए यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है, बी है, हैज़ बीन है और वुड बी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, यानी इंसू ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए पॉप स्टार। यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो जाएगा, बीइंग का इस्तेमाल हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि वी इनसाइड ऑन डैश डैश डिनर आवर सेल्फ। अब यहाँ पे जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है, यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी इंसिस्ट ऑन कुकिंग द डिनर आवर सेल्फ। क्या हो जाएगा, वी इंसिस्ट ऑन कुकिंग द डिनर आवर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू डैश डैश देयर पीपल्स लाइफ बेटर। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, मेक है, मेकिंग है, मेक है, बी मेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मेक, यानी इट इज़ नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू मेक देयर पीपल्स लाइफ बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 9 हो गया, 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से कि द डॉग
रैन डैश डैश द रोड, द डॉग रैन डैश डैश द रोड। आप यहाँ पे दिया हुआ एक्रॉस होगा, विद होगा, फोर होगा, थ्रो होगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चुनने बोलता है। तो आप यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो नाइन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी किसी चीज़ को पार होने की बात किया जाए, नदी हुआ, रोड हुआ, सड़क हुआ, पुल, ये सब, तो इसके लिए हम लोग एक्रॉस की इस्तेमाल करते हैं। तो द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के आकर देखिए ध्यान से। रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे जो इसका रीड केयरफुली का पैसिव वॉइस क्या होगा आप लोगों को चुनना, देखिए ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यू आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, यू आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, यानी आपको सलाह दी जाती है कि आप सही से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए रेनी डे, ए रेनी डे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो। आप यहाँ पे ए रेनी डे जो फ्रेज दिया हुआ है इसका नीचे में कुछ आपको दिए गए ऑप्शन, इसमें से आपको चुनना है सही इसका मीनिंग। तो राइट ऑप्शन 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। आप यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा वर्ड जो है इस सही स्पेल के साथ है चुनना है। तो 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर, टी आर ए ट्रांजिस्टर, ये जो है ऑप्शन सही वर्ड है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द जनरल वाज किल्ड, द जनरल वाज किल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जनरल वाज किल्ड द आर्मी क्या कहते हैं फ्लेड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, आप चार ऑप्शन देख पाओगे। तो यहाँ पे चूज द सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसका सही क्या हो जाएगा। तो 13 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द जनरल वाज किल्ड एंड सो द आर्मी फ्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ ही डैश डैश कम आई वुड हैव हेल्प हिम। अगर यहाँ पे देता है कि यहाँ पे आपको क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलता है यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, इफ़ ही डैश डैश कम आई वुड हैव हेल्प हिम। अब यहाँ पे हैज होगा या फिर हैड होगा या फिर वाज होगा या फिर वियर होगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे आया है हेल्प, वुड हैव। अब वुड हैव मतलब क्या होता है कि ये जो है इसमें है, मतलब पास्ट में है। तो पास्ट के लिए हम हमेशा इस्तेमाल किसका करेंगे, पास्ट का ही करेंगे। तो 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैड, इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव कम्प्लीट, यानी सॉरी आई वुड हैव हेल्प हिम। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे मतलब हो जाएगा हैड का इस्तेमाल, यानी इफ़ ही हैड कम, अगर वह आता तो हम क्या कहते उसकी मदद करते, तो अगर वह आता तो मैं उसकी मदद करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यू नॉट सी, सॉरी यू नॉट सी डैश डैश डूल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पाएंगे, यू नॉट सी डैश या डूल दिया हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या जाएगा, तो आर दिया हुआ, इज है, वाज है, हैड है। तो 15 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर, यू नॉट, सॉरी यू नॉट सी आर डूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कह रहा है कि आंशु हैज डैश डैश गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए, आंशु हैज ए गुड नॉलेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि डैश 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 यू लैंड वन, सॉरी डैश डैश यू लैंड ऑन योर पेन। तो यहाँ पे आपको क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने बोलता है, कैन होगा या फिर कुड होगा या फिर शुड होगा या फिर सेल होगा। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुड, कुड यू लैंड ऑन योर पेन, यानी आपका अपना कोई पेन हमको उधार दे सकते हैं या फिर लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल जबरदस्ती किसी को करने के लिए किया था, बट कुड को जो है एक थोड़ा विनम्रता के लिए इस्तेमाल किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का देख पाओगे, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर स्मेल्स लाइक रोज, मतलब कोई भी फूल गुलाब की तरह नहीं सुगंध देता। आप यहाँ पे चुनना है आपको क्या हो जाएगा, पन होगा, उसके बाद स्माइल होगा या फिर मेटाफोर होगा या फिर एंटी क्लीमैक्स होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्माइल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा स्माइल। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे जो है यह बुक से क्वेश्चन है, 19 से 30 तक बुक से रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें, 19 नंबर, हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नोवेल। आप यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने बोलता है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ही मैचर्स ग्रेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 20 कर रहा है कि वाई डज मिस बेट्सी, वाई डज मिट बेट्सी, मिस बेट्सी रिफ्यूज टू अडोप्ट डेविड वन ही वॉज बॉर्न।
यहाँ पे क्या ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बीस का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सी वांटेड ए गर्ल, वह एक लड़की चाहती थी जबकि डेविड एक लड़का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा देख पाएंगे, हु वाज नॉट ए ग्रेट ह्यूमरिस्ट। आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख पाओगे क्या ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी रॉबर्ट लिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि हु इज कंसिडरेड डेविड्स प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पाओगे, तो यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, यानी एग्नेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 22 कंप्लीट होगा, आप 23 नंबर, उसके जो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि हाउ डज डेविड एंड अप एट मिस बेट्स सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ही रन्स अवे फ्रॉम मरस्टोन वाइन बॉटलिंग बिजनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि डेविड कॉपरफील्ड हैज़ बीन रिटन बाय, यानी डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया है, चार्ल्स डिकन्स दिया हुआ है, उसके बाद जी बी शॉ दिया हुआ है, विलियम क्या कहते हैं शेक्सपियर है, और नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चार्ल्स डिकेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, क्या कह रहा है कि ऑन लेटर राइटिंग हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम, अब यहाँ पे चार ऑप्शन को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि किसके द्वारा अडोप्ट किया गया है। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्ड्स एंड आइडिया, ये वर्ड्स और आइडिया से अडेप्टेड किया गया है, यानी इसमें वर्ड्स और आइडिया की बात की गई है ऑन लेटर राइटिंग में, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि फॉरगेटिंग हैज़ बीन रिटन बाय, फॉरगेटिंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन आपको पता होगा, आसान से क्वेश्चन है, तो फॉरगेटिंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो 26 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रॉबर्ट लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है, हु रोट द पीस रॉबिन। आप यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जिम कॉर्बेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम द लेग आइजल ऑफ इनिस्फ्री। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन की बात करें 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डब्ल्यू बी येट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा, क्या करा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 29 करा है कि सेग फ्राइड सेशन हैज़ कंपोज द पोएम। कौन सा पोएम कंपोज किया, 29 का क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी एवरीवन सेंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, देखिए ध्यान से, करा है कि द पोएम एडलेस्ट्रॉप इज कंपोज्ड बाय किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एडवर्ड थॉमस। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमको सबसे वीडियो में पहले बताया थे आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए, तो उसके लिए कुछ नियम चाहते हैं, तो हम आपको पूरी डिटेल से बता देते हैं कैसे आप लोग को उसको लेना है। तो उसके लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर देख लिया नोट कर लीजिए जिसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका 8210775306, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर में आपको मैसेज करना है और लिखना है अपना पीडीएफ का सब्जेक्ट का नाम। इससे पहले कुछ आप लोगों को कंडीशन दिया गया है, इसमें जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें जो है आपको पांच पीडीएफ तैयार किया गया, पांच सेट क्या किया गया, पीडीएफ तैयार किया गया जिसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, यानी एक सेट का जो प्राइस होगा वो 3 रुपया होगा, मतलब 5 सेट की बात करें तो क्या हो जाएगा 15 रुपया होगा, मतलब एक सब्जेक्ट का आपको 15 रुपया पे करना होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का 15 रुपया पे करना है, आपके अगर मान लें 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का जो होता है 75 रुपये होता है, बट आपको 75 रुपया नहीं लगेगा अगर आप 5 सब्जेक्ट एक साथ में लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 25 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। 75 में आपको 25 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जो कि मात्र आपको 50 रुपये देना पड़ेगा अगर 5 सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट लेने के लिए आपको एक साथ 50 रुपये पे करना पड़ेगा, उसका पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और साथ में अपना सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज देना, जैसे ही आप भेजते हैं तुरंत ही आपको 500 सब्जेक्ट के पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएंगे, और आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये अगर पीडीएफ आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको बताते हैं कि इसका पेमेंट करना कैसे है, तो पेमेंट के लिए मैंने वहाँ पर अकाउंट नंबर दे दिया है और गूगल पे का भी नंबर दे दिया है, और नीचे में UPI ID दिया हुआ है, आप तीनों के जरिए किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मनी ट्रांसफर यूज करते हैं तो उससे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर UPI ID से, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं
तो गूगल पे का नंबर देवा, डायरेक्ट गूगल पे से भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, आपके फ्रेंड को बोलिए, अगर उसके पास भी यह सुविधा नहीं है, तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा, शॉप होगा, उसको दुकान में आकर के बोलिए कि इस अकाउंट नंबर में या फिर गूगल पे के जरिए आप इसमें 50 रुपये का पेमेंट करवा दीजिए। आप फिर मोबाइल वाले को 50 रुपये दे दीजिएगा और जैसे ही पेमेंट कर देगा उसकी साथ से स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल से मुझे भेज देना है। जैसे आप भेजेंगे और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तुरंत ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उसको पीडीएफ को अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं, आपके पास तो टाइम है नहीं, पढ़ लें तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर बिना तैयारी किए हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहा है उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी तरह के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।